हेलो गाइस, मैं पीयूष, आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट प्लानिंग पर। सो गाइस, एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम लगातार कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, आज लास्ट डेट है। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो उस फॉर्म को फिल कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको शायद मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज लास्ट डेट है, आज आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। जिसने भी नहीं किया है वो फटाफट कर लें, और आप अपनी तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम यूनिट वन फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन को समझ रहे थे। हम एक एक करके सारे फिलोसफर्स जो दिए हुए थे हमारे सिलेबस में, हम उनको देख रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम पढ़ने वाले हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर और उनकी जो शिक्षा थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ शांति निकेतन कैसा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो हम चलिए इनको भी देख लेते हैं। 6 मई 1861 को जोड़ा साको यानी कि कलकत्ता में सम्मानित परिवार में रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ? कोलकाता में। किस जगह पर? तो जोड़ा साको नामक जगह पर इनका जन्म होता है। और कब होता है? तो 6 मई 1861 को इनका जन्म होता है। ठीक है, इनकी माता का नाम शारदा देवी तथा पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। ठीक है, इनके पिता काफ़ी पहले से ही प्रसिद्ध थे। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? शारदा देवी, और इनके पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ जी की माता का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिस कारण उनका पालन पोषण उनके पिता के संरक्षण में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय से अधिक घर पर हुई थी। उनकी जो पूरी प्राथमिक शिक्षा थी वो कहाँ पर हुई? घर पर होती है। सन 1878 में टैगोर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। ठीक है, 1878 में क्या होता है कि वो उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं, और 1880 में वे स्वदेश लौट कर आते हैं। ठीक है, 1878 में कहाँ जाते हैं? विदेश जाते हैं, और 1880 में वापस आ जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, सन 1884 में रविंद्रनाथ टैगोर का विवाह किसके साथ होता है? तो मृणालिनी देवी के साथ हुआ, किंतु शीघ्र ही 1920 में इनकी पत्नी का देहांत हो गया, जिसके कारण इनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। ठीक है, 1884 में विवाह होता है और 1920 में ही इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, 1901 में टैगोर ने बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना की, जो आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? शांति निकेतन की स्थापना करी थी। कहाँ पर? 1901 में बोलपुर के पास में। ठीक है, जिसे आज विश्व भारती के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, महान कवि एवं साहित्यकार के रूप में टैगोर की ख्याति देश की सीमाओं को पार कर गई। सन 1913 में टैगोर को अपने काव्य संकलन गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1913 में। किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो गीतांजलि के लिए दिया गया। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगला पॉइंट हमारा, 7 अगस्त 1941 को जोड़ा सांगो के पैतृक आवास में इन महान कवि, साहित्यकार, समाज सुधारक एवं शिक्षा शास्त्री का देहांत हो गया। इनका 7 अगस्त 1941 को अपने ही घर में क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, टैगोर के अनुसार सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। ये कहते हैं, शिक्षा वही है जो हमारे जीवन का सामंजस्य संपूर्ण सृष्टि के साथ स्थापित कर सके, वही सच्ची शिक्षा है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, शिक्षा मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक विकास करती है। ठीक है, यानी शिक्षा क्या करती है? मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक विकास करती है। टैगोर ने शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षा के प्राचीन भारतीय आदर्श सा विद्या या विमुक्तये को भी स्थान दिया है। इन्होंने अपनी पूरी शिक्षा में किस पर जोर दिया है? या सा विद्या या विमुक्तये पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा शारीरिक विकास। ठीक है, सभी बात करते हैं कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए। टैगोर के अनुसार शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य बालक का शारीरिक विकास करना है। बालकों के शारीरिक विकास के लिए उन्होंने शरीर के स्वस्थ और स्वाभाविक विकास के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों एवं इंद्रियों को प्रशिक्षित करने पर बल दिया। ये कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने शरीर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, साथ ही साथ हमारे अंगों का विकास हो और इंद्रियों का भी प्रशिक्षण किया जाना चाहिए, ताकि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, मेंटल डेवलपमेंट। टैगोर के अनुसार शिक्षा का कार्य बालक को वास्तविक जीवन की बातों,
स्थितियों और वातावरण से परिचित कराकर उसके मस्तिष्क का विकास करना है। ठीक है, टैगोर कहते हैं कि शिक्षा का कार्य क्या है, वास्तविक जीवन की बातों को बच्चों को सिखाया जाए, बताया जाए और उनका जो वातावरण है उससे उन्हें परिचित कराया जाए ताकि उनका जो मानसिक विकास है वो सही से हो सके। ठीक है, मानसिक विकास के लिए टैगोर ने पुस्तकीय शिक्षा का विरोध किया है। टैगोर कहते हैं कि अगर मानसिक विकास आपको कराना है तो आपको प्रकृति की ओर बालक को ले जाना होगा, मानसिक विकास के लिए पुस्तकीय जो शिक्षा है उसको इन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया है। ठीक है, प्रकृति तथा जीवन से प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक बताया गया है। किसके लिए? मेंटल डेवलपमेंट के लिए। मेंटल डेवलपमेंट के लिए प्रकृति तथा जीवन के प्रत्यक्ष रूप से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास, यानी कि मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अध्यापक का यह कार्य होना चाहिए कि वह बालक को धैर्य, शांति, आत्मानुशासन, आंतरिक स्वतंत्रता और आंतरिक ज्ञान के मूल्यों से परिचित कराकर उनका नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास करे। ये कहते हैं अध्यापक को इतना गुणी होना चाहिए कि वह बालक के अंदर धैर्य, शांति, आत्मानुशासन, आंतरिक स्वतंत्रता और आंतरिक ज्ञान के मूल्यों को डाल सके। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा सामाजिक विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि का विकास, सोशल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। बालक में सामाजिक गुणों का विकास करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक में सामाजिक गुणों का विकास कर सके, अपने अंदर सामाजिक गुणों को विकसित करके बालक स्वयं की ओर और समाज की प्रगति में सहयोग कर सकता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि अगर व्यक्ति का सामाजिक विकास होता है तो व्यक्ति जो बालक है हमारा वह स्वयं का और अपने समाज की प्रगति का दोनों पर सहयोग अपना दे सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा सामंजस्य की क्षमता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एडजस्टमेंट। टैगोर के अनुसार बालकों को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों, सामाजिक स्थितियों और वातावरण की जानकारी कराना तथा उनसे अनुकूलन करना शिक्षा का उद्देश्य है। ये कहते हैं कि बालक को हमें क्या करना चाहिए, जो उसकी परिस्थितियां हैं, जो वास्तविक परिस्थितियां हैं, समाज में मिलने वाले अलग अलग दुख हैं, समाज से प्राप्त होने वाली अलग अलग स्थितियां हैं, जो हमारा वातावरण है उसकी जानकारी देनी चाहिए। साथ ही साथ वह बालक पूरे समाज के साथ में किस तरीके से अनुकूलन करेगा वो भी हमें उसे सिखाना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत, यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ टैगोर। पहला पॉइंट है हमारा प्रकृति की गोद में शिक्षा। प्रकृति के साथ संपर्क स्थापित करने में बालकों को आनंद का अनुभव होता है, यानी इनकी हम शिक्षा को कहाँ से समझ सकते हैं, शांति निकेतन से समझ सकते हैं। जब ये बात करते हैं प्रकृति की गोद में शिक्षा तो इन्होंने स्थापना करी किसकी, शांति निकेतन की। वो भी क्या था कि पेड़ों के नीचे गुरुकुल प्रणाली से शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा मनुष्य की पूर्णता की शिक्षा। टैगोर के अनुसार वास्तव में मनुष्य जातियों में स्वाभाविक अंतर होते हैं जिन्हें सुरक्षित रखना और सम्मानित करना है, और शिक्षा का कार्य इन अंतरों के होते हुए भी एकता की अनुभूति करना है, विषमताओं के होते हुए भी असत्य के बीच सत्य को खोजना है। यानी कि ये कहते हैं मनुष्य जातियां जो हैं, मनुष्य जो है, मनुष्य में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, विभिन्नताएं होते हुए भी उनको हमें क्या करना है, सुरक्षित रखना है, सम्मानित करना है, और शिक्षा का कार्य क्या है कि अंतर होते हुए भी वो क्या करे, एकता की अनुभूति करे, साथ ही साथ विषमताओं के होते हुए भी वो क्या कर सके, असत्य के बीच में अपने सत्य को खोज सके। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा शिक्षा में स्वतंत्रता। टैगोर ने कहा है कि जहाँ स्वतंत्रता नहीं वहाँ विकास नहीं, वहाँ जीवन नहीं है, इसीलिए शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। टैगोर कहते हैं कि जब स्वतंत्रता नहीं होती तो वहाँ विकास नहीं हो सकता, ना ही वहाँ जीवन हो सकता है, इसीलिए बालक को क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो जिस प्रकार से सीखना चाहे सीख सकता है, वो जो सीखना चाहे वह सीख सकता है। अगला पॉइंट है हमारा बालक का चहुमुखी और सामंजस्य विकास, अर्थात शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का विकास करके उसके व्यक्तित्व का चहुमुखी और सामंजस्यपूर्ण विकास किया जा सकता है, यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जा सकता है। किस तरीके से? व्यक्ति के अंदर जो शक्तियां हैं उनका विकास कर करके। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा। टैगोर ने कहा है कि बालकों की शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिए, उसमें भारत के अतीत एवं भविष्य का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा की जब ये बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जो भारत की शिक्षाएं हैं, जो भारत में प्राचीन भारत में जो शिक्षाएं दी जाती थी उसके बारे में, भारत के अतीत के बारे में, भारत के भविष्य के बारे में चिंतित होते हुए हमें क्या करनी चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा कलात्मक शक्तियों का विकास। शिक्षा के द्वारा बालकों में संगीत, अभिनय तथा चित्रकला की योग्यता का विकास किया जा सकता है।
ठीक है, यानी क्या होता है, कलात्मक शक्तियों का विकास बहुत ज़रूरी है, ताकि क्या हो सकता है कि व्यक्ति अपने आप को अलग अलग माध्यमों से अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान। यानी टैगोर का कहना है कि पुस्तक के स्थान पर जहाँ तक संभव हो सके बालक को प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। यानी ऐसे अवसर मिले जिससे बच्चा क्या करे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेकर के लर्निंग कर सके। ठीक है, पुस्तकीय ज्ञान से उसे बचना चाहिए। अगला पॉइंट है रटने की आदत का अंत। टैगोर ने कहा है कि बालकों को रटने के लिए बाध्य न किया जाए, यथासंभव शिक्षण विधि का आधार जीवन, प्रकृति और समाज की वास्तविक परिस्थितियां होनी चाहिए। यानी जो भी हमारे जीवन की प्रकृति है और समाज की वास्तविक परिस्थितियाँ हैं, उसी से ही हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए, यानी कि वही हमारी शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए। अगला पॉइंट है शिक्षण विधियाँ, यानी कि मैथड्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर। तो पहला पॉइंट हमारा क्रिया विधि, यानी कि कर करके चीज़ों को सीखना। प्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं, डायरेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग। ठीक है, अगला है स्वाध्याय और प्रयोग विधि। स्वयं से अध्ययन करें और जो आपने पढ़ा है उसका प्रयोग करके लर्निंग को करना ही क्या कहलाता है, स्वाध्याय एवं प्रयोग विधि। ठीक है, ये जो मैंने सभी में कुछ ना कुछ पॉइंट्स डाल दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा शांति निकेतन। टैगोर एक महान कवि के साथ साथ एक दार्शनिक, एक शिक्षक, एक गुरु भी थे। गुरुदेव के रूप में उनका महान योगदान शांति निकेतन के रूप में परिणित हुआ। ठीक है, गुरुदेव के रूप में वो जाने जाते थे और उनका महान योगदान किस रूप में निकल करके आया, तो शांति निकेतन के रूप में निकल करके आया। शांति निकेतन का दूसरा नाम क्या है, विश्व भारती। ठीक है, शांति निकेतन का दूसरा नाम क्या है, विश्व भारती है। कलकत्ता से 100 मील दूर उत्तर पश्चिम में यह स्थित है। ठीक है, कलकत्ता से कुछ दूर पर यह स्थित किया गया है, यानी कि 100 मील उत्तर पश्चिम में इसे स्थित किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता श्री देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। देवेंद्रनाथ अपनी साधना के लिए एक शांत स्थान खोज रहे थे जो शहर के कोलाहल से दूर हो। इन्होंने शांत स्थान पर वृक्षारोपण करके उसका नाम शांति निकेतन रखा। ठीक है, यानी जो शांति निकेतन है उसकी जो जगह थी वो कौन ढूंढ रहा था, तो इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ढूंढ रहे थे और उसी का ही नाम इन्होंने शांति निकेतन रखा था। और उसी शांति निकेतन को शिक्षा का केंद्र किसने बना दिया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसे शिक्षा का केंद्र बना दिया। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा सन 1901 में इन्होंने विश्व भारती की नींव रखी, यानी कि किसकी नींव रखी, शांति निकेतन की नींव रखी। उस समय इसमें 6 छात्रों के साथ शुरुआत की गई थी। तो जो हमारा शांति निकेतन था उसमें कितने छात्र आए, पहली बार में 6 छात्र आते हैं। ठीक है, छात्र जब तक स्वयं अपनी इच्छा से कार्य नहीं करता उसे आनंदानुभूति नहीं होती, अध्यापक एक प्रेरणादायक के रूप में होता है। ठीक है, जब तक वो अपनी मर्जी से कार्य करेगा नहीं तो उसे आनंद की अनुभूति नहीं होगी, उसको लगेगा कष्ट है बहुत इस कार्य को करने में। ठीक है, इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि जब तक बालक स्वयं से किसी कार्य को नहीं करता तब तक उसे आनंद की अनुभूति नहीं होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा गुरुदेव ने अपनी नोबल पुरस्कार की समस्त धन राशि शांति निकेतन पर लगा दी थी। ठीक है, नोबल पुरस्कार में उन्हें जितनी भी धनराशि मिली उसको उन्होंने कहाँ पर लगा दिया, शांति निकेतन में लगा दिया था। ठीक है, उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 6 मई 1922 को शांति निकेतन में ही विश्व भारती की स्थापना की। ठीक है, उच्च शिक्षा की दृष्टि से ही उन्होंने क्या किया था, विश्व भारती की स्थापना करी थी। कब करी थी, तो 6 मई 1922 को। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा भारतीय संविधान ने सन 1951 में 29वें संविधान संशोधन में विश्व भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा विश्व भारती के विभिन्न विभागों को भवन कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग जो विभाग है उनको क्या कहा जाता है, भवन कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा टैगोर की शिक्षा को देन, टैगोर्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। पहला पॉइंट हमारा टैगोर ने प्रकृति से स्वस्थ एवं निकटवर्ती संबंध स्थापित किया और बताया कि प्रकृति का प्रभाव रहन सहन, विचार व्यवहार, कार्यकलाप, विषय वस्तु और विधि में पाया जाता है। ठीक है, टैगोर क्या बात करते हैं, टैगोर ने प्रकृति के स्वस्थ और निकटवर्ती संबंध स्थापित किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति जो है, प्रकृति में रह करके बालक अच्छे से चीज़ों को सीख पाता है, इसीलिए वो कहते हैं हमें प्रकृति की गोद में रह करके पढ़ाई करनी चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा दर्शन और वास्तविक जीवन परिस्थिति का समन्वय करके टैगोर ने भारतीय शिक्षा में महान क्रांति की। यानी ये कहते हैं कि जो फिलॉसफी है
और वास्तविक जीवन है, उन दोनों को इन्होंने आपस में जोड़ करके जो जिस तरीके का समन्वय तैयार किया वह भारतीय शिक्षा में महान क्रांति के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, टैगोर ने भारतीय संस्कृति के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली। टैगोर ने क्या किया, भारतीय जो संस्कृति है उसी के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली। टैगोर ने बताया कि शिक्षा में समस्त सत्यों का एकीकरण होना चाहिए तथा हमें जीवन के सत्य के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये सारी चीज़ों को पढ़ना है और इसे अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, बालक के विकास में कृत्रिमता नहीं लानी चाहिए और ना जल्दबाजी करनी चाहिए, वरन स्वाभाविक ढंग से उसका विकास होना चाहिए। यानी बच्चे का विकास किस तरीके से किया जाना चाहिए, स्वाभाविक रूप से किया जाना चाहिए, ना कि हमें जल्दी जल्दी उसके विकास के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है, जिस स्पीड से वो विकास की गति चलती है उसी स्पीड से हमें उसका विकास होने देना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा, पुस्तकों एवं पाठन विधि की अपेक्षा टैगोर ने बालक पर अधिक ध्यान देने के लिए कहा है। ठीक है, उन्होंने कहा पुस्तकों और पाठन विधि को छोड़ दो, इससे ज़्यादा बालक पर ध्यान दो कि बालक क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, कब करना चाहता है। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा जोर दो इस बात से हट करके कि पुस्तक और पाठन विधि कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।